हेलो एवरीवन मैं म्यूनिक में हूं और uh, राहुल गांधी की कंट्रोवर्सी देख करके मुझसे रहा नहीं गया मुझे लगा कुछ ना कुछ तो बोलना बनता है um, राहुल कवल जी के यहां से भी आया था कि uh, गुजरात इलेक्शंस पे बहस हो रही थी एंड दे वांटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट अनफॉर्चुनेटली शायद फॉर्चुनेटली आई डोंट इवन वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन ऑन लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन पोलिटिकली ऑन गुजरात एंड सो ऑन एंड फोर्थ बट

तो मुझे लगा कि अब बोलना जरूरी है आ, हमारा देश सवा सौ करोड़ देशवासियों का देश है और मुझे लगता है कि उसमें से करीब एक करोड़ लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी रूप में राम की शिव की पूजा करते होंगे राम शिव की क्यों बहुत सारे आ, सवा सौ करोड़ देशवासियों में से कुछ लोग वैसे भी हैं जो जो नमाज पढ़ते हैं कुछ लोग वैसे भी हैं जो आ, जो चर्च जाते हैं लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि अपनी अपने रिलीजन को अजर्ट करते हुए अपने रिलीजन को अजर्ट करते हुए अपने पूरे पुरखों का क्या रिलीजन रहा है उसको अजर्ट करने की जरूरत एक नेशनल लेवल के लीडर को क्यों होती है वो भी तब जब वो अपने आप को सेक्युलर घोषित करते हैं उन्होंने वो भूल गए राहुल गांधी जी ये बताना कि उनकी दादी भले ही शिव भक्त रही हूं पर उन्होंने ही येन केन प्रकार सेक्युलरिज्म शब्द हमारे संविधान में डाला क्यों डाला वो तो राहुल गांधी उनको और उनकी फिलॉसफी बताएगी पर शायद मैं राहुल गांधी से अपेक्षा भी नहीं करती हूं कि वो इन गुढ़ मुद्दों पर बात कर सके ऐतिहासिक समझ पर तो मुझे डाउट है ही मुझे उनके उनके हिंदुत्व पर भी डाउट है क्योंकि कुछ दिन पहले तो वो यही कहते फिर रहे थे कि मिने मंदिर जान जो वो लोग मंदिर जाते हैं जो लड़कियां छेड़ते हैं सडनली उन्होंने फिर जनेऊ वने का फोटो डाला और इतना फनी है ये सारा चीज क्योंकि हमारे यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार होता है आई जिन्होंने भी एक्चुअली जिन्होंने भी हिंदू परंपरा को देखा हो और हिंदू परंपरा जिनके घर में फॉलो की जाती हो उनको ये चीज मालूम होगी कि यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है वो वो संस्कार एक साल से पच्चीस साल की उम्र के बीच में वो संस्कार कर दिया जाता है और उस दौरान जो संस्कार होता है वो बताया जाता है आपको कि जनेऊ आपके शरीर को टच करते हुए रहना चाहिए आप जनेऊ को शर्ट के ऊपर नहीं पहनते बंद गले के ऊपर नहीं पहनते तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो इस तरह की जो बेहुदी बातें करके वो एक्चुअली हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं इस तरह का बेहुदा चरित्र अपना सामने रख के वो वो बहुत सारे लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ भी वो खिलवाड़ कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं क्योंकि गुजरात इलेक्शंस नजदीक हैं कुछ दिनों पहले मैंने ट्विटर पे ये भी देखा कि सोमनाथ टेंपल पे कंट्रोवर्सी चल रही थी भाई जब आपको आप अपनी दादी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो आपको अपनी दादी के पिताजी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि काफी चीजें तो वो दर्ज करके गए लिख के गए पढ़ के गए इतनी सारी लेटर्स लिखे अप, आपकी दादी को ही लिखे लेटर्स तो आपने क्यों नहीं पढ़ा वो लेटर्स जो एक्सचेंज हुए जिसमें उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को लेकर के बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बातें की इनफैक्ट उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं मैं इस टेम्पल के रिसरेक्शन में बिलीव ही नहीं बिलीव ही Because someone or the other uh, outside the world, outside India, in the world, would brand the, the nation as, as a Hindu nation. तो जो व्यक्ति इतना इनसिक्योर रहा हो अपने आइडेंटिटी को लेकर जो पूरा खानदान अपने हिंदुत्व की आइडेंटिटी को लेकर इतना इनसिक्योर रहा हो उनके प्रपौत्र आज आकर वो छाती पीट कर कह रहे हो कि हमारी दादी फलाना भक्त थी और मैं ढिमकाना भक्त हूं और मैं बंद गले के ऊपर अगर जनेऊ कर निकलता हूं तो ये ना केवल शर्मनाक है ये पूरे गुजरात इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश है और चूंकि मैं आ, घोषित रूप से भाजपा समर्थक हूं तो मैं ये बात बता दूं कि अगर कांग्रेस ये काम करती है देर इज नो रीजन व्हाट्सो एवर फॉर एनी एडिटर एनी एंकर और एनी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर इन द कंट्री टू कमेंट एंड से कि भाजपा को इस पे कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए भाजपा हैज ऑलवेज बिन अ पार्टी विच हैज वेरी अन अबैशली पोर्ट्रेड इट एज अ पार्टी विथ विथ हिंदुत्व क्रिडेंशियल्स अगर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बाद वोटर्स पोलराइज नहीं होंगे तो ये उनकी बेवकूफी है लेकिन लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि इस इलेक्शंस में अगर पोलराइजेशन है तो ये पूरा का पूरा कांग्रेस के कम्युनल नैरेटिव की, की वजह से है ये पूरा का पूरा राहुल गांधी की बेवकूफी की वजह से है विच इज समथिंग विच ही डॉन्ट्स लाइक लाइक हिज परहैप्स न्यू फाउंड जेन्यू बट सो दैट इज माई टू सेंस ऑन ऑन द अपकमिंग गुजरात इलेक्शंस एंड चूंकि ऑपोजिशन की तरफ से ही एजेंडा सेट नहीं किया गया है सिविक इश्यूज पे गवर्नेंस इश्यूज पर तो आई डोंट थिंक एज एन इंडिविजुअल और एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री देर इज एनीथिंग लेफ्ट टू से टेक्निकली इफ वन आस्क मी शुड इलेक्शन बी फॉट द वे दे आर बींग फॉट ऑन दीज नेटिव परहैप्स नो बट देन हुयर्स इफ इफ इन अ कंट्री इन अ डेमोक्रेसी देर इज नो ऑपोजिशन एंड इफ देर इज अन ऑपोजिशन इट इज इन दैंड्स ऑफ न्यू जनेऊधारीज लाइक पप्पू देन गॉड सेव अस थैंक यू